कि आप बाहर के ममालिक जाना चाहते हैं और आपका VTRL और TPHA टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो बहुत जल्द आप इसको नेगेटिव करके आसानी बाहर के ममालिक जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत से लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए ट्राई करते हैं दुबई, सऊदी अरब या किसी भी बैरूनी ममालिक में, तो उनका मेडिकल करवाया जाता है। इस मेडिकल में आपको कुछ टेस्ट लिख कर दिए जाते हैं। उन चंद टेस्टों में एक टेस्ट का नाम VDRL टेस्ट है, जिसे वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लेबॉरेटरी टेस्ट कहा जाता है। और ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपको बोला जाता है कि अब आप बाहर के ममालिक सफ़र नहीं कर सकते। नाज़रीन, VTRL टेस्ट एक खून का टेस्ट है जिसे आंचे की जांच के लिए करवाया जाता है। जब तक ये टेस्ट आपका नेगेटिव ना हो जाए, लोग परेशान होते हैं। उन्हें एक और टेस्ट TPHA लिखकर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप कंफर्म करवाएं कि आपको ये बीमारी तो नहीं है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि VTRL टेस्ट किस बीमारी के लिए करवाया जाता है, वो बीमारी किस तरह ठीक होगी, ये बीमारी क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इस बीमारी को दूर करके आप बाहर के ममालिक में सफ़र कर सकते हैं। VDRL टेस्ट एक बीमारी की जांच के लिए किया जाता है जिसे सिफिलिस यानी आंचे कहा जाता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये बीमारी एक बैक्टीरिया जिसे ट्रैपोनीमा पैलिटम कहते हैं, इस वजह से होती है। ये बीमारी दो किस्म की होती है। एक कंजेनिटल सिफिलिस होती है, जब आपका बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त इसमें चली जाती है, जैसे माँ को है तो उससे बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आप 3 महीने के अंदर इसका ट्रीटमेंट करवा लें तो आप ठीक हो जाते हैं, और अगर आप लेट इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके बच्चे में बहुत से मिसाइल पैदा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे के दांत और हड्डियां टेढ़ी हो सकती हैं। और दूसरी किस्म इसकी एक्वायर्ड सिफिलिस है। नाज़रीन, आज हम एक्वायर्ड सिफिलिस के बारे में बात करेंगे। ये एक सेक्सुअल डिजीज़ है, यानी आपके जिंसी अमल की वजह से फैलती है। इसके अलावा जब आप अपना ब्लड किसी को देते हैं तो ये बीमारी फैल सकती है, या फिर जो ड्रग्स लेने वाले लोग किसी की इस्तेमाल की हुई सिरिंज इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी हो सकती है। आंचे की मुख्तलिफ इलामात और इकसाम हैं। पहले नंबर पे प्राइमरी सिफिलिस है। अगर आपने कोई ऐसा जिंसी अमल किया तो आपका जो नाजुक हिस्सा होता है उस पर आपको एक छाला बना हुआ महसूस होता है, जो कि ज़ख्म बना हुआ नज़र आता है। जो लोग सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म पर किसी भी हिस्से पर ये निकल सकता है। जो लोग ओरल सेक्स करते हैं उनके लिप्स पर भी ये निकल सकता है, वो इसलिए पेनलेस होता है। अगर 3 से 4 हफ्ते में इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दूसरे स्टेज में चला जाता है। दूसरे स्टेज में इसके अलामात में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। इसमें आपको बुखार हो जाता है, जिसमें दर्द, थकावट का होना, किसी काम करने को दिल ना करना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर रैशेस हो जाते हैं, मरीज़ को अपनी स्किन पर उभरे हुए दाने नज़र आएंगे, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पर गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, ख़ास तौर पर आपको अपनी गर्दन के अंदर बनी हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा हाथों और पाँव पर आपको छाले बने हुए ज़्यादा नज़र आएंगे। अगर 2 से 3 महीने में इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये तीसरे स्टेज लेटेंट सिफिलिस में तब्दील हो जाता है, जहां आपको इलामात तो कोई नहीं नज़र आती, लेकिन जब आप टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। अगर आप फिर भी ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये बहुत लंबे अरसे तक 10 से 15 साल तक आपके अंदर खामोश बैठा रहता है, और फिर ये चौथे स्टेज ट्रिजियर सिफिलिस में तब्दील हो जाता है। ये स्टेज बहुत ख़तरनाक होता है, इसमें जिस्म के किसी भी हिस्से में गिल्टियाँ बन जाती हैं। इसके अलावा फालिज हो सकता है, शेरक फूल जाती है, जिस्म के एक मुख्तलिफ हिस्सों में दाने या छाले बन जाते हैं, और ये कुछ अरसे बाद ठीक हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको बताती चलूँ कि लाजमी नहीं है कि किसी बाजारी औरत के साथ मिलने की वजह से आंचे हो सकता है, बल्कि बहुत तेज़ धूप में ज़्यादा देर काम करने से या ज़्यादा नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी सिफिलिस हो सकता है और VTRL पॉजिटिव शो हो जाता है। नाज़रीन, VTRL टेस्ट तब करवाया जाता है जब आप बैरूनी ममालिक जाने के लिए अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका VTRL टेस्ट पॉजिटिव है और आपको आंचे है। इसके अलावा प्रेगनेंट व्यूमेन जब शुरू में अपने टेस्ट करवाती हैं तो उनको पता चलता है कि उन्हें सिफिलिस है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ हमारे से रابطہ करते हैं और बताते हैं कि हमारे नाजुक हिस्से में कोई बड़े दाने या छाले बने हुए हैं, तो हम आपको VTRL टेस्ट करवाने को कहते हैं ताकि हमें यह पता लग सके कि पेशेंट को कहीं सिफिलिस तो नहीं है। जब मरीज़ VTRL टेस्ट करवाता है और वो पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है जिस्म में आंचे के जरासीम मौजूद हैं।
फिर हम मरीज़ को 1 से 2 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके इस्तेमाल से मरीज़ का VTRL टेस्ट नेगेटिव हो जाता है और वह बआसानी बैरूनी ममालिक सफ़र कर सकता है। अपने पॉजिटिव VTRL को नेगेटिव करने के लिए आज ही हादी दवाखाना तशरीफ़ लाएं और हकीम नासिर अली मिन्हास से अपना मुकम्मल कामयाब इलाज करवाएँ। खुदा हाफिज़।